गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमंत मीना और आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट मैथ। और मैथ में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 11, जिसका नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री, मतलब क्षेत्रफल और उसकी बाउंड्री। बाउंड्री मतलब उसके चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, पहले तो मैं वो बता देता हूँ। एरिया वो होता है, जैसे मान लो कोई कमरा है, ठीक है, जैसे ये चौकोर कमरा है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल का कमरा है। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच की जगह है, इसका माप, इसका एरिया कहलाता है। और एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू वाइड, मतलब लंबाई और उसकी चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई और उसकी चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ा, ठीक है। लेंथ इंटू वाइड इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो तो मैं आपको ये समझाता हूं, ये मैंने क्या बना रखा है, ए बी पीस ए पीस बी, ये क्या बना। तो जब आप चैप्टर 11 निकालोगे तो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा कुछ इन दो डायग्रामों से, ठीक है। इसको आप स्क्वायर कह सकते हो, इसको आप रेक्टेंगल कह सकते हो। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये 6 सेंटीमीटर है लेकिन ये 5 सेंटीमीटर। लेकिन वर्ग में जो स्क्वायर होता है उसमें ये भी 6 रहती है, ये भी 6 रहती है, या फिर ये भी 5 रहती है, ये भी 5 रहती है, और इनके जो अपोजिट साइड जो साइड्स हैं वो भी इक्वल टू में रहती है, मतलब इक्वल टू का मतलब बराबर में रहती है, ठीक है। और उसी तरह उसी में अगली आप जो रेक्टेंगल देखोगे, रेक्टेंगल में लेंथ के बराबर लेंथ रहती है और वाइड के बराबर वाइड रहती है, ठीक है। तो ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। लेकिन हमें समझने के लिए ये दो आपको जो है डायग्राम दिखाए जाएंगे आपके बुक में, आप 11 चैप्टर निकाल लेना, ठीक है। अब उन्होंने ये दोनों समझाने के लिए किस तरीके से दिए वो मैं आपको बता दूं। तो दो बच्चे हैं, ठीक है, जिनका नाम है पार्थ और गिनी। क्या नाम है, पार्थ, ठीक है, और एक का नाम है गिनी। गिनी कोई लड़की है, ठीक है। ये क्या लाते हैं, एक आम का पापड़ खरीद कर लाते हैं। क्या खरीद कर लाते हैं, आम पापड़, आम पापड़, ठीक है, आम पापड़ खरीद कर लाते हैं। तो आम पापड़ वो खरीद कर लाए हैं, तो भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या उसका ये मतलब है कि पार्क के पास जो जो पापड़ है उसका पीस ए, उसका साइज ऐसा है, मतलब चौकोर है, और जो गिनी के पास जो पापड़ है वो कैसा है, पीस बी की तरह है, मतलब इस तरीके का उसका साइज जो है रेक्टेंगल की तरह है, और पार्थ के पापड़ का साइज कैसा है, इस तरीके का, मतलब स्क्वायर साइड साइज, मतलब स्क्वायर साइज या फिर इस तरीके का है। पार्थ के पास जो पापड़ है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है लेंथ, ठीक है, और उसकी चौड़ाई कितनी है, वाइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो गिनी के पास जो पापड़ है, क्या है, गिनी के पास जो पापड़ है उसकी वाइड, मतलब जो चौड़ाई है वो कितनी है, गिनी के पापड़ की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और लेंथ लंबाई है 11 सेंटीमीटर। तो अब इससे क्या होगा, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि चलो भाई ये बता दिया, तो अब इनका करना क्या है, इसका ये करना है कि हमें ये बताना है कि किसका पापड़ ज्यादा बड़ा है। देखो इसके पापड़ की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसके पापड़ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसके पापड़ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसके पापड़ की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो भाई इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, उसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का पापड़ में किसका पापड़ ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, किसकी जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बता सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब किसका पापड़ बड़ा है, ठीक है। चलो हम अब यहीं पर करते हैं, ये आम का पापड़ बना हुआ है, ये फॉर्मूला यहीं पर लिखे रह देते हैं, यहां पर एक छोटी सी जगह में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले किसका लिखा हुआ लिखेंगे हम, पीस ए का, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पीस ए, मतलब पीस ए का क्षेत्रफल, पीस एरिया ऑफ पीस ए, एरिया ऑफ पी बना देता हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीस ए। अब पीस ए का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू वाइड, एल इंटू वाइड, और एल कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू, और वाइड कितनी है इसकी 5,
तो ये हमने 5 कर दिया, तो टोटल इसका कितना आंसर आ गया, यहां नहीं यहां लिखते हैं, यहां लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 6 × 5 = 30 कितना आ गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा स्क्वायर सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि जो यूनिट होती है एरिया की, जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है। क्यों आती है स्क्वायर में, क्योंकि ये सिंगल अकेली ये वाली साइड नहीं है, ना ही सिंगल ये है, ये भी डबल है और ये भी डबल है, आगे का समझ में, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में, किस में लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो किस में दी हुई है हमें, सेंटीमीटर में। अगर यहां पर मीटर होता तो हम मीटर लगाते, और यहां पर अगर किलोमीटर होता तो हम किलोमीटर लगाते, ठीक है। लेकिन किलोमीटर किलोमीटर जितना लंबा पापड़ नहीं होता है, इसकी किलोमीटर नहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर यूनिट है तो हम स्क्वायर किस में लगाएंगे, सेंटीमीटर में लगाएंगे, ठीक है। तो इसका एरिया ये निकल आया, किसका एरिया निकल आया, ये पीस ए का, ठीक है। अब पीस बी का एरिया निकालेंगे हम, पीस किसका बी का, तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ पीस बी। अब पीस बी का एरिया कितना है, अब डायरेक्ट वो फॉर्मूला तो लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लेंथ कितनी है इसकी 11 × वाइड कितनी है 3, तो कितना आएगा इसका आंसर 11 × 3 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका पापड़ बड़ा है, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब गिनी का पापड़ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है, समझ गए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कौन से, मान लो ये कमरे ही हो, क्या हो कमरे हो, कि भाई ये 5 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर की जगह 6 फीट हो, ठीक है, या फिर 6 मीटर हो, या फिर 5 मीटर हो। तो इस तरीके से आप ये मान लो ये कमरा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और स्क्वायर में उसका क्या निकालना है, यूनिट लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो। तो 6 जो आपका 11 वाला चैप्टर है उसमें बस यही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे बस, फिर अपना क्वेश्चन जो है, सॉरी अपना चैप्टर 11 जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं आपको अभी मैं अभी आपको क्वेश्चन बताता हूं, मैं आप वीडियो को पॉज करके इसको चाहो तो लिख लेना, नहीं चाहो तो समझ लेना, आप बस ये फॉर्मूला याद रखना, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, मतलब लेंथ इनटू वाइड। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन है। अब हम जिस तरीके से हमने उन जो पापड़ थे ना उनका एरिया निकाला था, उसी तरह उसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस पर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसको, इस वाली पर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले मैं पढ़ के बता देता हूं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वर्ड प्रॉब्लम है, अरवाज प्लांस टू टाइल हिज किचन, कोई अरवाज नाम का लड़का है जो सोच रहा है उसकी किचन में टाइल्स लगाने के लिए, ठीक है, फ्लोर उसके फ्लोर में विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, कैसी है, ग्रीन कलर की स्क्वायर टाइल्स है, कैसी है, मैं यहां पर बनाऊंगा, नीचे का जगह खराब नहीं करेंगे हम, यहां पर बनाएंगे, ग्रीन कलर की स्क्वायर टाइल्स है, तो ये हमने ग्रीन कलर की स्क्वायर टाइल्स बना दी, ये हमने ग्रीन कलर की स्क्वायर टाइल्स बना दी, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब लंबाई भी उतनी और चौड़ाई भी उतनी, ना लंबाई ज्यादा और ना ही चौड़ाई ज्यादा, समझ गए। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब टाइल्स की हर साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया, जो बोल रहा है अभी क्वेश्चन ही बोल रहा है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है और वो चाहता क्या है, ठीक है, बात एक ही है, पूछ क्या रहा है और चाहता क्या है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की और उसकी हर एक साइड है। हिज किचन इज, अब बात कर रहा है वो किचन की, पहले तो टाइल्स की बात कर ली, अब बात कर रहा है वो किचन की। हिज इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ, उसके किचन की लंबाई है 220 सेंटीमीटर, कितनी है 220 सेंटीमीटर लंबी है। मैं आपको यहां पर एक किचन भी बना देता हूं, ये इतनी जगह हम ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, यहां पर हमने रफ के लिए यूज करने के लिए इतनी जगह ले ली, इसमें अपन सॉल्व कर लेंगे।
तो उसकी किचन की लंबाई कितनी है 220, तो हमने उसकी लंबाई बना दी 220 सेंटीमीटर। ये हमने उसकी लंबाई बनाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखना प्लीज, समझ लो क्योंकि एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस वाले चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लेना क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको खुद ही सॉल्व करना होगा और कोई नहीं कर रहा बताएगा आपको, नहीं करेगा। एंड 180 सेंटीमीटर वाइड और उसकी चौड़ाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, चौड़ाई को थोड़ा हम कम करेंगे और ये उसकी किचन बन गई। इसकी चौड़ाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना आपको, ये 220 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 180 सेंटीमीटर उसकी क्या है चौड़ाई है, ठीक है। अब भाई क्या हो रहा है, अभी तक हमने अपने मन से कुछ किया नहीं, किया जो बोला क्वेश्चन ने बोला और जो उसने बोला तो हमने किया और बताया, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे इससे सॉल्व में भी लिख सकते हो बताने के लिए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, तो उसे कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी उस किचन में, घूम गया ना दिमाग, है ना एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन कि भाई एक टाइल्स की चौड़ाई अगर 10 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की टाइल्स है और किचन की लंबाई 220 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 180 सेंटीमीटर है, तो उसको कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते चलेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हम लिखेंगे, पहले हम लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर टाइल्स की क्या है लंबाई और चौड़ाई, ईच साइड मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इतना तो लिखना है। अब आप अगला स्टेप लिखो, क्या लिखोगे, द टाइल्स एरिया ऑफ द टाइल्स, एरिया ऑफ द टाइल, टाइल्स का एरिया, देखो ये टाइल्स है, ठीक है। पहले उसने बोला है कि जो टाइल है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, लंबाई भी और चौड़ाई भी, ठीक है। हम यहां पर 10 सेंटीमीटर ये भी लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर यहां भी लिख दिया, 10 सेंटीमीटर यहां भी, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया, अब जैसे ही एरिया आया तो हमें याद आया एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू वाइड, तो लेंथ इंटू वाइड कितनी है भाई इसकी 10 इंटू 10, तो कितना हो गया ये इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक टाइल्स का जो एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ द टाइल्स मतलब एरिया ऑफ द वन टाइल्स कर लेना, वन टाइल्स एक ही टाइल्स से निकला ना, एरिया ऑफ द वन टाइल्स लंबाई इंटू चौड़ाई लेंथ इंटू वाइड इजिकल टू 10 इंटू 10 इजिकल टू 100, तो ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर वन टाइल्स का हो गया। अब एक स्टेप नीचे आओ उसकी किचन का, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द किचन, एरिया ऑफ द किचन, किचन क्या ये रही किचन, ठीक है। अब किचन का एरिया क्या निकालेंगे, लेंथ इंटू वाइड, लेंथ किस कितनी है उसकी 220, इंटू वाइड किस कितनी है उसकी 180, ठीक है। शॉर्ट में कर दूं या फिर पूरा लंबाई करवाओ, आप खुद लंबा कर लेना लेकिन मैं शॉर्ट में कर देता हूं, 1220 18 का 2 में करेंगे 18 बन जाए 18 टू जा 36 का 6 कैरी 3 18 टू जा 36 और 3 39, देख लो भाई सही है या गलत है, दोनों जीरो पीछे लिख दी, 18 दूनी 36 की 6 कैरी आई 3 और 18 दूनी 36 और 3 39, इकाई ढाई इकाई वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 39,000 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये कितने किसका एरिया है किचन का, किसका एरिया है किचन का। अब हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ द टाइल्स निकाल दी, एरिया ऑफ द किचन निकाल लिया, अब किचन का एरिया हो गया और टाइल्स का एरिया हो गया,
तो एक टाइल्स का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर और पूरी किचन का एरिया है 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, चलो करते हैं। बी 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 नहीं लिखेंगे हम, अरवाज लिखेंगे। अरवाज नीड, अरवाज नीड टाइल्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम इसके लिए करेंगे 100 का भाग दे देंगे किसमें, 39,600। चलो देते हैं, मैं ऐसे नहीं, मैं बटे में लिख देता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हें समझाने के लिए। 39,600 इज इक्वल टू 100, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गई, इज इक्वल टू आ गया 396 टाइल्स। ये आपका आंसर है। अब ये कैसे आया, बहुत ही सिंपल तरीके से आया, बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे, मान लो एक सेब की कीमत 5 रुपए है, कितनी है 5 रुपए है, एक सेब की कीमत 5 रुपए है तो 75 रुपए के कितने सेब आएंगे, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। उसी तरीके का ये है, एक टाइल का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितनी टाइल्स आएंगी, एक सेब की कीमत 5 रुपए है, ये 5 रुपए है तो 75 रुपीज के कितने सेव आएंगे, 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 बचे कितने, 2, ये 5 उतार के 25 तो कितने सेव आएंगे, 15 सेव आएंगे। उसी तरह ये हमने किया है। आई होप कि आपको एरिए का ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अब हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ा सकते, तो यही आपका आंसर है और यही आपका क्वेश्चन है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख ले और समझने की कोशिश करें, ठीक है, ओके बाय। चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं था, बस एरिया था और उसकी बाउंड्री के बारे में समझाना था। और बाउंड्री ये जो आप लंबा या चौड़ाई देख रहे हो ना, ये उसकी बाउंड्री है, किसकी, एरिया की। ओके बाय, टेक केयर, और इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से।